नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल जोवियल हॉलीडे पे, जो कि स्पेशली बना है सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड, जहां पर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं ट्रैवल से रिलेटेड, और जिन प्लेसेस को मैं विजिट करता हूं उन सभी वीडियोस बना करके आपके लिए उन सभी को डालता हूं। और अगर आप ट्रैवल लवर हैं और दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेसेस को विजिट करके उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके और एक अच्छी सी वीडियो बना कर के लिए आपको दूं। और इस चैनल में हमेशा एक हर हफ्ते में मैं वीडियो डालता ही रहता हूं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो है लोधी गार्डन के ऊपर। लोधी गार्डन पे हम इस दिन आए हुए हैं और आज हम पूरी वीडियो में लोधी गार्डन के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में। लोधी गार्डन की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है जोरबाग के पास, जिसे लोक कल्याण मार्ग के भी नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही बड़ा पार्क है, अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो भी ये पार्क आपके लिए है। अगर आप नेचुरल लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, पिकनिक के लिए आप कोई दिल्ली में जगह ढूंढना चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। सभी चीज़ों के लिए एक कॉम्बो लोकेशन है। तो पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। लोधी गार्डन की खुद की एक अपनी हिस्ट्री है। ये पहले इसका जो लोधी गार्डन जो नाम अभी पड़ा हुआ है, ये पहले इसका नाम विलिंगटन गार्डन था, जो कि पहले के टाइम जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनकी एक बीवी थी, उनके नाम से पहले विलिंगटन गार्डन रखा गया था। बट बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका नाम लोधी गार्डन रख दिया गया। लोधी गार्डन क्यों नाम रखा गया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो लोधी डेस्टिनी है हमारी, उसका जो भी वंश था उससे रिलेटेड जो भी मॉन्यूमेंट्स थे उन सभी का यहाँ पर कलेक्शन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर पार्क बनाया गया, इसीलिए इसका नाम लोधी गार्डन रखा गया है। लोधी गार्डन में मॉन्यूमेंट्स के अलावा आपको जो देखने को मिलेगा वहाँ पर बोनसाई गार्डन दिखेगा, बटरफ्लाई गार्डन दिखेगा और हर्बल गार्डन देखने को मिलेगा, झील देखने को मिलेगी, आठ कुला देखने को मिलेगा। अगर लोधी वंश की बात करें तो आपको बड़ा गुम्बद देखने को मिलेगा, सिकंदर का टॉम देखने को मिलेगा और शीश गुम्बद मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम आए हैं मोहम्मद शाह जी के टॉम पे, जो कि लोकेटेड है लोधी गार्डन में, और ये आपको बाएं तरफ लोधी गार्डन में पड़ेगा। जैसे ही आप गेट नंबर एक से एंट्री करते हैं तो आप बाएं तरफ जैसे ही आप आते हैं तो वहाँ पर आपको एक रास्ता आता हुआ दिखेगा, तो आप ये लोधी गार्डन में बाएं तरफ पड़ेगा मोहम्मद शाह जी का टॉम। अगर मोहम्मद शाह जी की बात करें तो ये सैयद वंश के सबसे आखिरी तीसरे शासक थे, जो कि और जो जिनका शासन काल था सन 1433 से लेकर के सन 1444 तक का। तो इस टॉम में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी उनकी कब्रें हैं, मोहम्मद शाह जी का जो मेन कब्र है उसके साथ साथ उनकी फैमिली की भी बहुत सारी कब्रें हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कम से कम 3 से 4 कब्रें हैं, और ये जो गुम्बद बना है ये 8 भुजाओं में बना हुआ है पूरा। हमने एंट्री कर ली है सिकंदर लोधी के टॉम में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एंट्री की तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट दिखा, जो कि है सिकंदर लोधी का। और ये जो टॉम है ये एक चार दीवारी के अंदर बहुत ही खूबसूरत गार्डन के अंदर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि दीवारें हैं, और दीवारों के अंदर एक खूबसूरत गार्डन है, और गार्डन के अंदर ही बीचों बीच ये खूबसूरत टॉम सिकंदर लोधी का स्थित है। तो चलिए इसे पूरा देखते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम आए हैं सिकंदर लोधी के टॉम में देखने, जो कि लोधी गार्डन में स्थित है।
और अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो जो सिकंदर लोधी था उसका जो शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा था, और जो लोधी वंश का जो टोटल जो शासनकाल था दिल्ली में वो था 75 साल का, जिसमें से 75 साल में से जो इसकी स्थापना की थी वो इब्राहिम लोधी ने की थी। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के बाद उसकी मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो बहलोल लोधी बना। तो जो सिकंदर लोधी का जो टॉम्ब है जो आप पीछे देख रहे हैं, उसकी जो स्थापना की थी उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने की थी उसकी मृत्यु के पश्चात। तो यहाँ पर उसकी कब्र है, कब्र के ऊपर ही इस मकबरे का निर्माण किया गया है। तो सिकंदर लोधी जो लोधी वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा शासक माना जाता है सिकंदर लोधी का। और जो लोधी वंश था तो वो जो दिल्ली में जितने भी राजवंश थे तो उन राजवंशों में जो राजपूताना वंश था उस सभी में से सबसे आखिरी वंश जो था वो लोधी वंश का था। और लोधी वंश का जो शासनकाल था वो पूरा 75 साल का शासनकाल था। लोधी को, सिकंदर लोधी को बहुत सारी इवेंट्स के लिए जाना जाता है। सबसे मेन था कि इसने दिल्ली से हटा करके राजधानी आगरा शिफ्ट कर दी थी। तो इस मकबरे को जो लोधी, सिकंदर लोधी का टॉम्ब है, उस मकबरे में उनकी एक समाधि बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो दरवाजे हैं लेकिन सभी दरवाज़ों पे लॉक लगा हुआ है, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं, बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी कब्र बनी हुई है। सिकंदर लोधी के बारे में और भी बहुत सारी बातें फेमस है कि उसने ताजिया निकालने पर भी मुसलमानों को रोक लगा दी थी और स्त्रियों को पीर और मज़ार पे जाना मना कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं जिसके लिए सिकंदर लोधी फेमस हुआ है। तो सिकंदर लोधी का टॉम्ब देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं, एक खूबसूरत झील है जो कि सिकंदर लोधी टॉम्ब के जस्ट पीछे ही है, और वहाँ पर बहुत सारी आपको बतखें देखने को मिलेंगी, बर्ड्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर फाउंटेन्स भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ में इसी झील के पास पड़ता है आठ पुला, जो कि बहुत ही पुराना एक आठ पुल है जिसमें से आठ पिलर्स हैं। बेसिकली ये नाले के ऊपर बना एक पिलर है जो कि आठ मेहराब्स के ऊपर बना हुआ है, और इसका जो निर्माण था वो सिकंदर लोधी के टाइम के बाद हुआ था। तो आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब वहाँ हम उसके देखेंगे आठ पुल के बारे में। अभी हम देखते हैं झील को। तो ये बहुत ही खूबसूरत झील है। अभी यहाँ पर फाउंटेन्स बंद हो रखे हैं, ये सुबह और शाम के टाइम पर चलते हैं। ये डक्स बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं तैरती हुई। झील के जस्ट ऊपर ही जो आप ये देख रहे हैं पुल बना हुआ है, इसे आठ पुला भी कहते हैं। ये आठ मेहराबों के ऊपर बना हुआ एक बहुत ही प्राचीन पुल है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अकबर के शासनकाल में उसके एक अधिकारी द्वारा करवाया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं आठ पुला कैसा दिखता है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो कि झील के जस्ट ऊपर ही बना हुआ एक अच्छा और बहुत ही खूबसूरत पुल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ फाउंटेन्स हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है, और फिर ये शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलता है। तो अभी ये वीडियो जो शूट हो रही है वो दोपहर का टाइम है, तो इसलिए अभी फाउंटेन्स चल नहीं रहे हैं। झील देखने के बाद चलिए हम देखते हैं बर्ड्स को, जो भी यहाँ पर बर्ड्स हैं देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जाली के अंदर बहुत सारे डक्स हैं, यहाँ पर दिखेंगी नहीं साफ। मैं अंदर जाकर के थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। झील और आठ पुला देखने के बाद अब हम पहुँच गए हैं एक लोधी गार्डन की जो लोकेशन है जिसका नाम है मस्जिद, और उसके मस्जिद के वैसे खंडहर बचे हैं और अभी उसके, लेकिन जो बाग है, जो के लिए आप पीछे देख सकते हैं कि मस्जिद और बाग लिखा हुआ है, तो उस बाग में अभी रोज़ गार्डन बना दिया गया है। वहाँ पर हर तरीके के, बहुत तरीके के रोज़ेस का कलेक्शन है। आठ पुला और बर्ड्स को देखने के बाद चलिए अब हम चलते हैं शीश गुम्बद को देखने, और शीश गुम्बद के बाद अभी हम देखेंगे बड़ा गुम्बद। तो अभी बहुत कुछ देखने के लिए है, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, और मैं आगे इस पार्क से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उन सभी को आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम आए हैं शीश गुम्बद में, जो कि आप देख सकते हैं लोधी वंश के राज्यकाल में ही बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं अंदर से और एक्सप्लोर करते हैं इसे। इस
इस गुम्बद का नाम शीर्ष गुम्बद है। बहुत सारे आक्रमण हुए थे लोधी वंश के बाद, तो यहाँ पर सारी चीज़ें खराब कर दी गई हैं। अभी ये ESI द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं और जो कि लोधी वंश के समय की कब्रें हैं। इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि ये किनकी कब्रें हैं, बट लोधी वंश के किसी राजा और शासक की कब्रें हैं जो कि यहाँ पर स्थापित की गई हैं उनकी मृत्यु के बाद, और उसके ऊपर इस शीर्ष गुम्बद का निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये गुम्बद। ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इसे जान सके और पढ़ सके और समझ सके। इस गुम्बद देखने के बाद अब उसके सामने ही जस्ट एक बहुत ही खूबसूरत इमारत का निर्माण किया गया है जो कि है बड़ा गुम्बद। तो चलिए देखते हैं। और ये रही उसके जस्ट सामने, आप देख सकते हैं कि लोधी गार्डन में ही बड़ा गुम्बद है जो कि जस्ट इस गुम्बद के जस्ट सामने ही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि बड़ा गुम्बद और कि उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करते हैं। अब हम पूरा पार्क घूमने के बाद हम फाइनली पहुंचे हैं बड़ा गुम्बद, और साथ में उसके जस्ट बगल में ही लोकेटेड है शीर्ष गुम्बद। और शीर्ष गुम्बद को देखने के बाद अब हम पहुंचे हैं बड़ा गुम्बद, और बड़ा गुम्बद के जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जस्ट जो आप देख रहे हैं वो बड़ा गुम्बद है, और सामने उसके जस्ट दाएं तरफ ही देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी मस्जिद है जिसे बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी आयतें लिखी गई हैं अरबी में, जो पढ़ना मेरे लिए तो मुश्किल है, बट आप में से अगर कोई मुस्लिम है तो ज़रूर पढ़ सकता है। ये पूरा हिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है ये पार्क। तो आइए हम देखते हैं बड़ा गुम्बद को और उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि बड़ा गुम्बद किसने बनवाया था, तो इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, और यहाँ पर क्या है देखने के लिए और किसकी ये मस्जिद है इसका भी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, बट ये लोधी वंश के ही जैसे कि शीर्ष गुम्बद है वैसे ही लोधी वंश का रिलेटेड ही ये एक मॉन्यूमेंट्स है जिसे लोधी वंश के किसी शासक द्वारा ही बनवाया गया था। और बट कि किसके लिए बना है ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो चलिए देखते हैं और इस मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। बाकी मॉन्यूमेंट्स में आपने देखा कि वहाँ पर उस मॉन्यूमेंट्स के अंदर कब्र थी, बट इस मॉन्यूमेंट इस गुम्बद के अंदर कोई भी कब्र नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ खुला द्वार है, यहाँ पर चार दरवाजे हैं जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और ये खुला एक गुम्बद है जो कि बहुत ही विशालकाय बना हुआ है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये अरबी में आयतें लिखी हुई हैं, बट इसका मुझे ट्रांसलेशन तो पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत लिखा गया है, इसकी जो सजावट की गई है वो कितनी ही खूबसूरत है। तो ये है बड़ा गुम्बद, और अभी हम उस बड़े गुम्बद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ही पुराना ये मॉन्यूमेंट है लोधी वंश के समय का। आप देख सकते हैं कि बड़ा गुम्बद उसके जो हिस्ट्री के बारे में कुछ साक्ष्य लिखे हैं। लोधी वंश के राज्यकाल में दो प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ, चौकोर और आठ पहलू बड़ा गुम्बद, और इसके उत्तर में स्थित शीर्ष गुम्बद चौकोर रूप के मकबरे का उदाहरण है। जब भी लोगी बाग में विद्यमान अन्य दो मकबरों के आठ पहलू हैं, और साथ में आप देख सकते हैं बड़े गुम्बद के साथ ही एक मस्जिद लगी हुई है। इसी कारण कुछ विद्वानों को यह भ्रांति हुई है कि यह गुम्बद मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो जो मस्जिद है जिसके बारे में बात की गई है, जो कि साथ में बड़ा गुम्बद ये है, और बड़ा गुम्बद के जस्ट पास में ही उसके उत्तर की तरफ ये मस्जिद स्थित है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। गाइस ये बहुत ही बड़ा पार्क है जैसा आप देख सकते हैं। यार ये थक गए मतलब पूरा पार्क घूमते घूमते, और मेरी हमारी कैमरामैन निमो है साथ में हमारे साथ, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पार्क में आने का, और ये बहुत ही अच्छा लगा। आप प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ आइए, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरी फैमिलीज है और अपना पिकनिक इंजॉय कर रही है। यार बहुत ही लंबा पार्क था और घूमते घूमते मतलब थक गए हैं, बहुत सारा रेस्ट की ज़रूरत पड़ी बीच बीच में वीडियो बनाते समय। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ आइए और इन्जॉय करिए।